हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिस्ट ऑफ कट ऑफ मार्क्स CSS फॉर स्कॉलरशिप 2019। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको सबको पता है दोस्तों, स्कॉलरशिप दिया जाता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से, बिहार बोर्ड की तरफ से उन सभी छात्रों को जो मेधावी छात्र होते हैं, जिनको नंबर जो है काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। यहाँ पे जो है निर्धारित नहीं किया गया है दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बोला जा रहा है कि 75% या फिर उससे अधिक अंक लाने वालों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बहुत से सारे छात्र बोलते हैं कि मुझे भी 375 नंबर मार्क है, मुझे भी 390 नंबर है, लेकिन मुझे जो है स्कॉलरशिप का नाम जो है लिस्ट में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि इस पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो पे जो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी जो मिल जाए, और किन किन छात्रों को ये रुपया मिलेंगे और किन किन छात्रों को नहीं मिलेगा, इसकी भी पूरी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। ये जो है आपको सेंट्रल स्कॉलरशिप की तरफ से, यानी केंद्रीय प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो है रुपया दिया जाता है उन सभी छात्रों का। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, मेल और फीमेल यानी छात्र एवं छात्राएं, बॉयज़ एवं गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ठीक है। टेंथ वालों को लिए नहीं मिलेगा अभी दोस्तों, टेंथ वालों के लिए अलग से निकलता है। और जो है बिहार बोर्ड के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से जो दिया जाता है दोस्तों, वो जो लड़की को जो बोला है कि 60% से ऊपर अगर नंबर है आपको इंटरमीडिएट में, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स या फिर किसी भी कास्ट हो, लड़की अगर खास करके गर्ल्स को 10,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है। और स्नातक पास लड़कियों को जो है 25,000 रुपये दिए जाते हैं। ये बिहार सरकार के तरफ से दिया ही जाता है, लेकिन जो है आपको सेंट्रल के तरफ से भी दिया जाता है दोस्तों उन सभी छात्रों को। देख सकते हैं जनरल वालों के लिए साइंस में अगर आपका 391 नंबर से ऊपर है तो आपका नाम जो है इस लिस्ट में होगा। जैसे अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है मैं दे डालूंगा, जहाँ से आप लोग अपना जो लिंक चेक कर सकते हो अपना नाम। और आर्ट्स वालों के लिए 339 नंबर रखा गया है और कॉमर्स वालों के लिए 383 नंबर, ठीक है। और रही लड़की की बात करें जनरल में, साइंस वालों के लिए 372, आर्ट्स वालों के लिए 369 और कॉमर्स वालों के लिए 395। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे हद कर दिया है। ओबीसी वालों का जो यहाँ पे कट ऑफ रखा गया वो 415 रखा गया, यानी 83%, वो भी बिहार के छात्रों के लिए 83%। सोच सकते हो दोस्तों, तभी आपको जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा क्लास से 12 वालों के लिए, ठीक है। वैसे बिहार सरकार की तरफ से मिलेगा नहीं आपको, केंद्र सरकार से अगर लेना है। अगर आपका 83% से ऊपर है साइंस स्ट्रीम वालों का, ओबीसी वालों का, BC1 और BC2 दोनों में 415 नंबर से ऊपर है तभी आपको मिलेगा, ठीक है। और आर्ट्स में 383 और कॉमर्स में 408, SC वालों के लिए साइंस में 389 और आर्ट्स में 366 और कॉमर्स में 365, ठीक है। ST वालों के लिए मेल को 362, 363 और 324। और यही फीमेल वालों के लिए यहाँ पे लिस्ट दिया गया है दोस्तों। तो कहने का मतलब है, अगर इस लिस्ट में आप अपना नाम देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपका तभी नाम रहेगा जब आप साइंस से सब्जेक्ट रखे हो दोस्तों, साइंस स्ट्रीम। अगर आप OBC के छात्र हैं, ठीक है, BC1 BC2 अगर आपका 83% से अभव है, तभी आपका इस लिस्ट में नाम जो है आया होगा और तभी आपको जो है 15,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, अगर आपका जनरल वालों में 391 नंबर से अगर प्लस है आपका जनरल वालों, अगर कैटेगरी आप लोग जनरल रखे हो तो 391 नंबर से अगर प्लस है तभी आपको 15,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा दोस्तों। ये सेंट्रल के तरफ से है, CSS सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। ये सभी है 2019 के छात्र छात्राओं के लिए, पास आउट छात्रों के लिए है, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए है। तो यही था दोस्तों आप लोगों के लिए न्यूज। बहुत सारे छात्र जहाँ पे कन्फ्यूजन है किसको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, जिसका लिस्ट जो है इस लिस्ट में है, जिसका भी नाम तो उसी को मिलेगा दोस्तों। और ये जो रुपया है आपको अक्टूबर मंथ से आपको अकाउंट में जो आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे छात्र जहाँ पर बिहार से लगभग 28,000 छात्र ऐसे हैं जिनको जो है लगभग लगभग OBC BC1 BC2 जनरल SC ST जिनका जो इस लिस्ट में नाम है 28,000 छात्र छात्राओं का, ठीक है। तो काफ़ी सारे अमाउंट है दोस्तों बिहार में। और यही दोस्तों, अगर पूरे ऑल इंडिया में बात करें तो मात्र 82,000, उसमें से सिर्फ बिहार में आपको 28,000 छात्र ऐसे मिलेंगे जिनका इस लिस्ट में नाम शामिल है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
जैसे जहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक बार चलिए दिखा भी देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो यहाँ पे मिल जाएगा बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम NSP ईयर 2019। ठीक है, तो यहीं पर आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी डाउट है, कोई भी प्रश्न आपके मन में है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। बिहार सरकार के तरफ से इंटरमीडिएट छात्र को नहीं देता है, मेल कैंडिडेट को नहीं दिया जाता है। अगर यही फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपका 60% से ऊपर नंबर है तो आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, जिसका भी इस लिस्ट में नाम है उसी को मिलेगा। बहुत से छात्र यहाँ पर कन्फ्यूजन में थे किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।